कोझिकोड में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान का ब्लैक बॉक्स और डिजिटल डेटा रिकॉर्डर बरामद हो चुका है। हादसा कैसे और क्यों हुआ, इसकी जांच में इन मशीनों से काफी मदद मिलेगी। वहीं हादसे को लेकर सरकार की सफाई के बावजूद एयरपोर्ट की खामियों को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। दुबई कोझिकोड फ्लाइट में आखिरी वक्त पर क्या हुआ, लैंडिंग के दौरान प्लेन में क्या दिक्कत आई, क्या प्लेन को लैंडिंग के लिए मना किया गया था। कोझिकोड एयरपोर्ट पर कल हुए विमान हादसे के बाद यही सवाल हैं, जिनके जवाब जांच की दिशा तय करेंगे। डीजीसीए के आदेश के बाद हादसे की जांच शुरू हो गई है और जांच अधिकारी भी कोझिकोड पहुंच चुके हैं। हादसे की पहली जानकारी प्लेन के मलबे से मिली है। जांच अधिकारियों ने विमान का डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बरामद कर लिया है। डीएफडीआर में विमान के टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक की सारी तकनीकी जानकारी होती है। साथ ही कॉकपिट से ब्लैक बॉक्स यानी वॉइस रिकॉर्डर भी बरामद हो गया है। ब्लैक बॉक्स से ये पता लगेगा कि आखिरी वक्त में कॉकपिट में क्या बातें हुई। इंक्वायरी ऑर्डर हुई है जो डीजीसीए और एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो करेगा, उसमें और डिटेल्स आएंगे, क्योंकि सबसे पहले वहाँ स्पॉट पर वो जाके फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को रिकवर करेंगे और उसमें से जानकारी अधिक मिलेगी। कालीकट एयरपोर्ट को लेकर भी कल से ही सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि एयरपोर्ट के रनवे में दिक्कत थी। 2019 के डीजीसीए की रिपोर्ट के मुताबिक कालीकट एयरपोर्ट के रनवे पर ज्यादा रबर थी। रनवे के एक हिस्से में पानी जमा होने की शिकायत थी। रनवे 10 और रनवे 28 पर दरारें थी। एयरपोर्ट अधिकारी और सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि जो भी दिक्कतें थी वो वक्त रहते दूर कर ली गई थी, लेकिन एक्सपर्ट्स का दावा है कि बात इससे कहीं ज्यादा थी। इवन डॉक्टर द मिनिमा टू ब्रिंग इट डाउन लोअर एंड फ्लाइट्स वर डाइवर्टिंग बिकॉज़ द विजिबिलिटी और द क्लाउड बेस वाज लो, सो दे install this ILS on 10 so that the minima can be lowered and flights can land without realizing that a tailwind landing on a wet runway is one of the most dangerous things that you can have. Flight में सवार लोगों के परिवार अपनों की विदेश से वतन वापसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 18 परिवारों के लिए ये इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। बहरहाल केरल सरकार ने मृतकों के परिवार को 10-10 लाख का मुआवजा और घायलों के मुफ्त इलाज का ऐलान किया है। कोझिकोड से गोपी कृष्णन उन्निथन के साथ आज तक ब्यूरो।